ये देखिए फिर मैं जो टिप्स आज आपको दे रही हूँ इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी, और ये मिल्क जो है हमारी बॉडी के लिए भी फायदा भी करता है। और रात में ये जो छुआरे दो ले रखे हैं और ये मिल्क है, इसको छुआरे में अभी काटूंगी बारीक बारीक, उसके बाद ये मिल्क में पकाऊंगी कम से कम 10 मिनट। जब ये गिलास भर के जो है आधा रह जाएगा, देखिएगा ये देखिए मिल्क मैंने इसमें डाल दिया है। मिल्क तो वैसे भी फायदा ही करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम वगैरह भरपूर मात्रा में होता है। ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया, इसको मैं आराम से स्लो गैस करके कम से कम 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसका कलर भी देखिए आप, ब्राउन सा हो जाएगा पक्का, बहुत फायदा करेगा, ट्राई करके जरूर देखिएगा। थोड़ी चीनी भी डाल देते हैं, अगर आप फीका पीना चाहें तो फीका पीजिएगा। ये देखिए इसका कलर अब चेंज हो गया, इसको हम अब कप या ग्लास में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसके जो हमने छुआरे डाले हुए हैं इसको निकाल कर खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये खा लें तो ज्यादा ही फायदा करेंगे इसको भी, क्योंकि ये गल चुके हैं इसमें। और ये मैं अपने हस्बैंड और बच्चे को डेली देती हूँ, लेकिन सारे उपाय कर लिए, दोनों ही पतले हैं, इतना मैं ध्यान रखती हूँ दोनों की सेहत का, सारे उपाय कर लिए लेकिन मोटे नहीं होते हैं ये लोग। ये देखिएगा अब हम इसको इस तरीके से गिलास में ये देखिए, आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। और इस समय हल्दी वाला दूध भी हम पीते हैं हम लोग पूरी फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया नाश्ता झटपट बनने वाला लेकर आई हूँ, देखिएगा कितना टेस्टी। एक टमाटर और आलू और बेसन से बने हुए पकौड़े हैं, टमाटर को मैंने इसमें चटनी में भर करके ये बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी, ट्राई करके आप जरूर देखिएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया, ये देखिए इसमें जो बीच में टमाटर के बीच में मैंने चटनी भरी हुई है और आलू, ये देखिएगा ये मैंने, देखिए और खाइए इसको चटनी से, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए हम अपने किचन में चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से ये तैयार किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं टमाटर के पकोड़े, बहुत ही बढ़िया नाश्ता। और इस समय नाश्तों की तो सुबह शाम जरूरत पड़ती है, बच्चे घर पर हैं तो देखिएगा हम लोग चलो ट्राई करते हैं ये झटपट बनने वाला नाश्ता। ये देखिए इसके लिए मैंने ये दो टमाटर ले रखे हैं और ये उबले हुए आलू में मैंने प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, नमक सब मिलाकर रखा हुआ है ये। और ये जो मैं चटनी भरूंगी आलू में और टमाटर में, ये देखिएगा ये पुदीना और ये इमली का बूदा और ये हरी मिर्च ले रखी है, इसको पीसते हैं अभी चटनी। और ये थोड़ा सा बेसन, थोड़ा बेसन ले रखा है, इसमें मैंने मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, नमक वगैरह डाल लिया है, इसका हम घोल तैयार करते हैं। ये देखिए अब इसको हम इसका अच्छे से पकौड़े के लिए घोल बना लेते हैं पहले इसको, ये थोड़ी देर रख जाएगा तो ठीक हो जाएगा, इसको ये तैयार कर लेते हैं। देखिए ये रेडी है, अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं, इसको एक साइड कर देते हैं। ये देखो चटनी, ये देखिए चटनी पिस चुकी है हमारी, इसको हम खोल में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की, चटनी रेडी है। अब हम ये टमाटर को काट लेते हैं पीसी में, देखिए ये टमाटर, देखिए इस तरीके से टमाटर को गोल गोल अच्छे से इस तरीके से काट लेते हैं, बारीक बारीक पीसेस करके हम रख लेते हैं टमाटर के। ये देखिएगा टमाटर ये देखिए रेडी है हमारे, अब हम कढ़ाई रखते हैं डीप फ्राई करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस तरीके से ये टमाटर लिया और ये जो चटनी पीस कर रखी हुई है मैंने,
इस तरीके से लगाइएगा, देखिए, और फिर उस पर ये इस तरीके से टमाटर दूसरा रख दीजिए। फिर ये मैंने जो आलू लिए हैं इसको इससे पूरा कवर करना है हमें टमाटर के लिए, अच्छे से पूरा कवर करिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से पूरा ये टमाटर को मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है, कितनी अच्छी टिकिया तैयार हुई है। इसको हम रख लेते हैं और बनाती हूँ मैं जब तक। ये हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं इस तरीके से, इसको भी हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम रेडी करते हैं इसको। चलिए हम लोग इसको रेडी करते हैं। ये हमने तैयार करके देखिएगा रख लिए हैं, और इधर कढ़ाई गैस पर रख के ऑन कर दिए गैस मैंने। ये थोड़ा तेज गैस आंच पे डालिएगा, उसके बाद स्लो कर दीजिएगा। ये देखिए इसको हम इस तरीके से देखिए इस तरीके से बेसन में लपेट कर डाल दिया है मैंने। थोड़ा नीचे से सिक जाएंगे ये, तब हम इसको पलटेंगे। इसको देखिए पलट दिया, बहुत ही अच्छा सिका है। ये देखिए अब इसको हम देखिए निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये देखिए टमाटर के पकौड़ी तैयार हैं, टमाटर आलू की और चटनी इसमें भरी हुई थी मैंने, रेडी हैं। देखिएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।